जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, हाउ टू गेट फर्स्ट सेल कैसे निकालें। गाइस, काफ़ी लोगों का डाउट होता है जब कोई नया बिजनेस ज्वाइन करता है, MLM हुआ या नेटवर्क मार्केटिंग हुआ या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हुआ या फिर कोई भी बिजनेस करता है, तो उसके माइंड में ये होता है कि यार मुझे पहला कस्टमर मिले, कैसे मिले उसको नहीं पता होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, नोट डाउन करके रखो। और डेफिनेटली अगर आपने ये इम्प्लीमेंट किया तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी जल्द फर्स्ट सेल निकलेगी। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग लूप, इस पे आप ध्यान देना। लर्निंग लूप का मतलब ही होता है कैसे आप सीखते तो जाते हो, मैं आपको जो सिखाऊँ, मैं जो आपको बोलूँगा, ठीक है, आप सीखते जाओगे, माइंड में बिठाते जाओगे, बट लर्निंग लूप मीन दैट कि आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपकी फर्स्ट सेल नहीं निकल रही, आपने ट्रेनिंग वगैरह ये सब अटेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, अगर आपकी फर्स्ट सेल नहीं निकल रही, इसका मतलब ये है कि आपने लर्निंग लूप फॉलो किया है। मीन दैट कि आप आपने इम्प्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ सीखते गए। तो गाइस याद रखना, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपके हाथ में पहली क्लोजिंग नहीं आएगी, हो सकता है कि एक साल भी लग जाए, राइट। तो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक, फाउंडर एंड CEO ऑफ GyanKama.com। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा किस तरीके से आप अपनी फर्स्ट सेल निकाल सकते हो, राइट। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपने हमारा बिजनेस या कोई भी बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, कोई भी बिजनेस आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और आपका डाउट आपके माइंड में ये रहता है कि मेरा पहला कस्टमर कब होगा, मेरी पहली अर्निंग कब होगी, ठीक है। तो सिंपल है, आपको अर्निंग जरूर, बट थोड़ा सा आपको सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है। आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया हो या फिर GyanKama स्टार्ट किया हो, फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए। गाइस, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आपका माइंडसेट, सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट क्लियर कर दो कि आपको अभी लर्निंग पे फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है, ठीक है। सेकंड, आप जो लीडर्स हैं हमारे GyanKama या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप जहां भी आप काम करते हो वहां के लीडर्स को देखो कि उन्होंने किस तरीके से इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, उनको देखो, वही चीज धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो। देखना अलग बात है, इंप्लीमेंट करना अलग बात है। पहला मैंने बताया कि माइंडसेट क्लियर रखो कि आपको लर्निंग करना है, पैसे पे ध्यान नहीं देना है। दूसरा ये कि जो हमें बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो हमारे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की अर्निंग कर चुके, उनको देखो, उनकी प्रोफाइल पे देखो, उन्हीं जैसा आप भी काम करो, मतलब उनकी प्रोफाइल जैसी अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। दूसरा, थर्ड, ट्रेनिंग सिस्टम। आपको पता है कि जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिलती है, राइट। तो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करो, सभी में जितनी भी ट्रेनिंग होती है सभी वीडियो अटेंड करो। अटेंड करने के साथ साथ, देखने के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट करना है। आप ऐसा मत करना कि लाइक 3 घंटे की ट्रेनिंग है तो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब एक दिन में पूरी कंप्लीट की। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिंपल है, आप एक वीडियो देखो उसको इम्प्लीमेंट करो, समझ नहीं आता वही वीडियो दूसरी बार देखो उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर भी समझ नहीं आता है वही वीडियो और 10 बार देखो इम्प्लीमेंट करो। इसी तरीके से आपको वर्क करना है। पहली वीडियो देखी उसको इम्प्लीमेंट किया, दूसरी वीडियो देखी उसको इम्प्लीमेंट किया, तीसरी वीडियो देखी उसको इम्प्लीमेंट किया। इस तरीके से आपको हर एक वीडियो देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो लर्निंग लूप आप क्रॉस कर दोगे, समझे। थर्ड, मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी ट्रेनिंग होती है सभी अटेंड करो, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है गाइस, ये बिजनेस होता है जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानोगे। मीन दैट आप अपने पास जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से जान लो। लाइक हमारे जो प्रोडक्ट है, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में काफी कोर्सेस होते हैं, तो उनको देखो, समझो, उनसे क्या क्या नॉलेज मिलता है वो देखो, कौन कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन से कोर्सेस है वो देखो, हर एक डिटेल GyanKama जिस कंपनी में आप काम करो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ स्टेप ये कि आप सब कुछ, हर एक डिटेल आपको पता होना चाहिए ताकि हम सामने वाले पर्सन से बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, राइट। तो मैंने आपको फोर्थ स्टेप बता दिया कि आपको जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेके एडवांस इन्फॉर्मेशन तक आपको पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि आप अब बात करना स्टार्ट करोगे, राइट। अभी आपके पास प्रोडक्ट भी है, आपके पास नॉलेज भी है, आपने ट्रेनिंग भी अटेंड कर दी, आपके पास प्रोफाइल भी है, सब कुछ है। अब आपके पास जो भी लोग हैं, अभी आप बोलोगे हमारे पास लीड नहीं है, हमारे पास प्रोस्पेक्ट नहीं है, अब वो कहाँ से लाएं। तो गाइस याद रखना कि जो आप पहले कस्टमर होगे ना, वो हमारे रिलेशन से होना चाहिए, रिलेटिव से होना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए, फ्रेंड सर्कल्स होने चाहिए, या जिसको हम जानते हैं फ्रेंड सर्कल्स के बंदों के मतलब फैमिली वाले, इस तरीके से आपका जो पहला कस्टमर है वहाँ से फाइंड करना है, समझे। मीन दैट अगर हम अदर पर्सन को हम ये प्रोडक्ट के बारे में बताते, हो सकता है उसका ट्रस्ट बिल्ड ना हो, बट आप एक ऐसे पर्सन को बताओ, लाइक आपके फैमिली
फैमिली मेंबर या आपके मामा चाचा नाना के लड़के को बताओगे तो होता क्या है कि वो बंदा आप पे ट्रस्ट करता है कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, ये बंदा जेन्युइन है, ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, तो पहली सेल वहाँ से निकलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम जब हमारे फ्रेंड सर्कल या हमारे रिलेटिव या हमारे जान पहचान वाले नॉन पर्सन से बात करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, मीन दैट कि हम उसको जानते हैं और हम उस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आप एक अननोन पर्सन से बात करोगे हो सकता है कि वो आपसे ढंग से बात ना करे या फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई ना हो, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो तो पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ज्ञान कमाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन, ज्ञान कमाओ जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप पिच कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। अगर आप जितने कॉन्फिडेंस के साथ बात करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मली तरीके से बात करोगे, हेलो हाँ मैं एक कंपनी में ज्वाइन हूँ एंड उसमें ये प्रोडक्ट है सिल्वर गोल्ड पैकेज, इनको परचेज करना है, ठीक है, इस तरीके से बात करोगे भाई आप समझ लो कि वो बंदा फ़ोन काट देगा, हो सकता है कि आपको गाली भी बक दे अगर आपके दोस्त हो तो, ठीक है। बट जब आप लोगों को दिखा कर कॉन्फिडेंस में बात करोगे ना, वो बंदा डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होगा और आपके साथ बिजनेस करना चाहेगा, राइट। तो मैंने 5वीं स्टेप बता दी। सो मैंने आज की इस वीडियो में बताया कि पहली सेल निकालने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला माइंड सेट, दूसरा जो ट्रेनिंग आप अटेंड करते हो उसको इम्प्लीमेंट करो, लर्निंग लूप, ठीक है। फोर्थ ये कि आप ट्रेनिंग सिस्टम अटेंड करने के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते चलो। और पांचवा ये कि आप अपने फ्रेंड सर्कल से बातचीत करके आप अपनी पहली सेल क्लोज कर सकते हो, ठीक है। देन जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वहाँ से भी लीड आना स्टार्ट होगी, वहाँ से भी कस्टमर आना स्टार्ट होगी, तो रिलेटिव वालों से आप बात करना स्टार्ट करो, उसके बाद ही आप अदर मेंबर से बात करने का ट्राई करना, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट आप थर्ड पर्सन ले, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैंने सिंपल बताया कि पहली सेल आप किस तरीके से निकाल सकते हो, ये पॉइंट्स को याद रखना और डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होना निश्चित है, 5 से 7 दिन के अंदर पहली सेल निकल जाएगी, बट ये चीज़ों को आप याद रखना। थैंक यू सो मच।